हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी गुड मॉर्निंग का समय हो रहा है इन बद्रीनाथ से। सो दोस्तों, बद्रीनाथ से अब निकल पड़ते हैं हम 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके इंडिया का लास्ट विलेज यानी माणा गांव की ओर। तो दोस्तों, माणा गांव की खूबसूरती वैसे भी बद्रीनाथ धाम के लिए काफ़ी विख्यात है और काफ़ी बहुचर्चित है। तो चलो हम भी उस बहुचर्चित गाँव यानी माणा गाँव की ओर निकल पड़ते हैं और देखते हैं वहाँ की खूबसूरती हम भी और आपको भी ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलो फिर अब चलते हैं 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने। सो फ्रेंड्स, ये रहा माणा का टैक्सी स्टेशन और यहीं से रोड की एंडिंग है और यहां से हमें पैदल मार्ग तय करना पड़ेगा और माणा विलेज यानी इंडियन लास्ट विलेज का भ्रमण करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं सुंदर पहाड़, मतलब काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहां का भी। वैसे तो क्या बताएं उत्तराखंड के बारे में, आप सब तो रूबरू हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा माणा विलेज, आपको पूरा माणा विलेज का व्यू दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, पता नहीं कौन से भगवान का मंदिर है, बट उस साइड आप देख सकते हैं वहाँ लोग पैदल पता नहीं कहाँ को जाते हैं। थोड़े यहाँ के लोगों से पूछ लेंगे कि वहाँ से वहाँ कहाँ जाते हैं। सो दोस्तों, वहाँ से वो मार्ग यानी पैदल मार्ग सत्तो पंथ के लिए जाता है। और चलो अभी थोड़ा घूमते रहते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, माणा विलेज की खासियत है कि यहाँ के जो वस्त्र हैं ना वो प्योर ऊनी से बने रहते हैं, ऊन से बने रहते हैं। और यहाँ के दुकानदार लोग और यात्री लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं सत्तो पंथ ट्रैक के शुभारंभ के लिए। कोई यहाँ से सत्तो पंथ पैदल जाएगा और कोई यहीं से वापस चले जाता है। तो कोई केदारनाथ से यात्रा करके आ चुका है और अब बद्रीनाथ और उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री भी जाता है, कोई कोई सीधे घर जाता है, ज़्यादातर चांस में बद्री केदार। तो ये आप देख सकते हैं उन्हीं के प्योर उन्हीं के, ये भी देख सकते हैं मैट। फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं भीम पुल को। तो ये माणा विलेज में है, तो काफ़ी अच्छा सफ़र चल रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, ये रहा भीम पुल, ये पूरा व्यूज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साफ ऐसा लग रहा है कि किसी ने रखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भीम पुल, भीम भगवान ने यहाँ पर रास्ता न होने की वजह से इस पत्थर को यहाँ पर रखा था, तो इस वजह से इस पुल का नाम भीम पुल पड़ गया है। और काफ़ी यात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भीम पुल के दर्शन करने। और ये ठीक ऊपर पे जो दुकान शॉप यानी दिख रही है, ये है हिंदुस्तान का अंतिम शॉप। तो चलो फिर वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ का भी। सो दोस्तों, भीम पुल का व्यू आपको दिखा दिया है, तो चलो अब हिंदुस्तान के अंतिम दुकान जो कि अंतिम टी स्टॉल है यहाँ का, यानी हमारे देश का अंतिम शॉप, वहाँ पर थोड़ा चाय नाश्ता कुछ मिलता है तो वो करते हैं, तब यहाँ से वापस बद्रीनाथ, वहाँ से वापस जोशीमठ, वहाँ से वापस घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये दो शॉप हैं जो ये हमारे देश के अंतिम दुकान, यहाँ से आगे अगर कोई लोग भी यात्रा पर निकलते हैं तो यहीं से उन्हें सामान रखना पड़ता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, राशन पानी इत्यादि। और यहाँ से पुल का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, मौसम भी बढ़िया प्यारा बना हुआ है, धूप खिला हुआ है। तो लाइक
कर ही दीजिए आप तो। सो फ्रेंड्स, ये रहा अंतिम शॉप, लास्ट विलेज। एक और ये भी मुकेश लोग हैं यहाँ, तो ये हमारे गांव के मुकेश जी यहाँ पे। तो चाय चुए क्या व्यवस्था है फिर? सो फ्रेंड्स, जो यात्री लोग हम आए हुए थे घूमने, तो यहाँ पे बिस्किट और चाय वाली व्यवस्था, जो कि हमारे गांव के भाई लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें फ्री में व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, अरु भाई यहाँ पे चाय का आनंद ले रहे हैं, और मैं भी थोड़ा गरम गरम चाय की चुस्की मार लेता हूँ, क्योंकि माना में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए हमने जैकेट उतार के टी शर्ट पहन लिया, काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना। तो एक ही कपड़े में ना थोड़ा वीडियो का जो होता है ना, थोड़ा लोग बोलेंगे यार चल इसने कपड़े नहीं बदले। तो दोस्तों, मैं कपड़े लेके ही नहीं आया था, कहाँ से बदले। तो फिलहाल चाय और बिस्किट, मुझे भी दो रहे बिस्किट। और दीदी, इसका नाम क्या बताया था आपने? ये पत्थर चट्टा। तो दोस्तों, ये है पत्थर चट्टा। इससे मतलब जब आप पथरी रोग से ग्रसित हैं, तो इसे उबाल कर पानी मतलब छांट कर फिर पानी के साथ पीना पड़ता है, तो उससे पथरी साफ हो जाता है। और ये है चाय में डालने का चाय मसाला। और ये हाथ से बनाए हुए ऊन के जुराब काफी अच्छे हैं। ये टोपी सब लोकल यहाँ के बने हुए हैं, ये हाथ से दीदी जी ने ही बनाया होगा, अपने हाथ से बना रखा। अच्छा, अभी भी बना रहे हो? ये टोपा बन रहा है। काफी अच्छी मतलब जो स्वरोजगार है इनका काफी अच्छा है। तो दोस्तों, अभी तक हम सतोपंत ट्रैक यानी हिंदुस्तान के अंतिम स्टॉप तक गए थे, अब जा रहे हैं हम गणेश गुफा की ओर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऊन से ऊन कांटा जा रहा है, इसके बाद ऊन से ये वस्त्र बनाएंगे। काफी अच्छी यहाँ स्वरोजगार की उपलब्धियां हैं। तो दोस्तों, ये रहा गणेश गुफा। सो फ्रेंड्स, ये रहा माणा विलेज का सबसे सुंदर मंदिर यानी घनियाल देवता का मंदिर। और आजकल मंदिर का द्वार बंद हो रखा है, और 15 जून को जब यहाँ एक बड़ा सा मेला लगता है, तो तभी यहाँ का द्वार खोला जाता है। तो काफी सुंदर, और ये हमारे हिंदुस्तान का अंतिम गांव का मंदिर भी अंतिम ही समझ लो। दोस्तों, अब माणा विलेज का जो छोटा सा मोटा मार्केट है ना, उसे हमने क्रॉस कर दिया है। अब हम पहुंचने वाले हैं टैक्सी स्टेशन यानी जहां पे हमने बाइक लगाई हुई है। तो आज का जो माणा का सफर रहा काफी सुंदर रहा, और नई नई चीजें देखने को मिली, काफी कुछ हम देखे, और लोगों का जो स्वरोजगार देखा सीखा, मतलब कुछ ना कुछ सीख लेते हैं अगर कोई कुछ बताता है तो। तो चलो फिर यहाँ से अब बद्रीनाथ की ओर निकल पड़ते हैं, समय भी 12 बज चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाइक लगाई हुई है, अब हम पहुँच चुके हैं टैक्सी स्टेशन है? बाइक हमने यहाँ पे लगाई है, अब हम चल पड़ते हैं अपने सफर की ओर यानी घर की ओर। तो जैसा भी लगा होगा कमेंट जरूर रखना और बताना अपनी राय हमारे वीडियोस पे।
फाइनली दोस्तों बद्रीनाथ का जो टूर था ना वो संपूर्ण हो चुका है और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। थोड़ा टाइम की कमी होने की वजह से ना ज़्यादा जगह नहीं घूम पाए, क्योंकि आज हमारी फैमिली में शादी है, घर में यानी हमारी बहन की शादी है, तो जाना ज़रूरी है और टाइम एक बज चुका है, तो इससे ज़्यादा तो हम करीब करीब 4-5 घंटे तो हमारे गाँव के लिए लगते हैं, फिर रात भी हो जाएगी, बरसात का मौसम भी है, क्या भरोसा कब, तो इसलिए जल्दी जाना ठीक है। तो जब दोबारा मौका मिले तो ज़रूर हम वीडियोस दिखाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं या रास्ते में करेंगे, चलो यहीं पे कर देते हैं बद्रीनाथ धाम में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें वहीं व्यस्त रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों।